सरकारी तेरी धूप से निकले हम दोनों की डबल सफारी डबल सफारी डबल सफारी डबल सफारी डबल सफारी हम तो घर को थाना समझे और थाने को घर इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सफारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी डबल सवारी रोशन रोशन सो तो ऐसे रहा है जैसे पुलिस मुकाबले में गोली लगी हो आइए ना बैठिए ना मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ खड़े खड़े बात करने आई हूँ बताओ कब से चल रहा है दिस चक्कर जब से मुझे आपने आपके यहाँ शुरू किया है मैं आपे से बाहर हो गया हूँ अच्छा तो मासी सच ही कहती थी मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ मुझे आपके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता सच रोशन मैं जिस तरफ भी देखता हूँ मुझे आप ही नजर आती हैं। यू सच कहते हो ना रोशन मैं सच कह रहा हूँ रिहाना क्या रिहाना रोशन रोशन क्या 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 हुआ कौन है ये रिहाना कौन रिहाना कोई रिहाना नहीं है मैंने खुद अपने कानों से उसका नाम सुना है किससे तुम्हारे मुंह से मैंने खुद इन कानों से सुना है ओ रियाना मैडम अच्छा तो वो मैडम है ट्यूशन पढ़ाती है तुम्हें और नहीं नहीं वो ASI हैं पर नींद में उनका नाम मुंह से निकल गया होगा तुम्हारे ASI का क्या नाम है जहरी मलक साहब हाँ तो कभी नींद में उनका नाम तो नहीं लिया तुमने वो कभी ख्वाब में आए ही नहीं अच्छा जी तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि ये तुम्हारे ख्वाबों में आने लग पड़ी अब मैं कहता हूँ तमीज से नाम लो उनका वो तुम्हारी बड़ी है क्या वो मेरी बड़ी है मेरा मतलब है कि वो मैडम है एक पल नहीं स्टे करूंगी नहीं रुकूंगी मैं रुक जाओ मुझे स्टॉप करने की कोशिश मत करना मैं जा रही हूँ और तुम स्टे करो अपनी मैडम रियाना के साथ वो मेरी मैडम है मेरी अफसर है और मैं उसका मतहत हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मतहत नहीं हूँ सुना तुमने मुझे पता है तुम मेरी मतहत नहीं हो तुम तो मेरी जौजा मोहतरमा हो थी क्या जब तुम कमरे में आई चार पाई के पास खड़ी हुई तुमने मुंह मोड़ लिया तुमने क्या समझा मैं सो रहा था क्या इसका क्या मतलब है मतलब मैं सो नहीं रहा था मैं जाग रहा था और मैं तुमसे मजाक कर रहा था क्या हाँ मैं तो तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखता तो क्या आप नजरें नीची करके ही देखते हो हाँ हाँ नहीं वो भी नहीं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था वो तो ना मुझे मासी ने एम ही डाउट में डाल दिया तुम मेरे हो ना रोशन मैं तुम्हारा हूँ रिहाना रिहाना फिर रिहाना हाथों भी राबिया ओहो ये बीवियां तो ख्वाबों पर भी पाबंदी लगा देती हैं मेरी रिहाना ओ राबिया ओ राबिया ओहो लग भी जा हेलो ये वारिस साहब का नंबर है जी नहीं उनकी बेगम का नंबर है अच्छा तो तुम उनकी नौकरानी बात कर रही हो क्या मैं जो कोई भी हूँ लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले तुम कौन हो मेरा नाम रिहाना है और मेरी पहले भी इसी नंबर पर उनसे बात हुई थी हुई थी या होती रहती है तमीज से बात करो अगर मैंने उन्हें बता दिया ना कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे क्या मुझे निकाल देंगे वो और वो भी तुम्हारी कहने पर निकालना तो दूर की बात अगर मैं तुम्हारी उनसे शिकायत कर दूं ना तो वो तुम पर नाकाबिले जमानत दफा लगाकर तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे क्या वारिस वारिस
दिल दिया लगिया जाने ना मेरा प्यार पहचाने ना कमलियो मुटियार आन दी आए दिल दिया लगिया जाने ना। अभी आपको मेरे हाथों की लगिया नहीं है इसीलिए दिल लगिया करते फिर रहे हैं। दिल लगिया तुम्हें कैसे पता? ये इस टेलीफोन से। कौन है ये रेहाना? अरे रेहाना जी का फोन है तो। अच्छा रेहाना जी। जी जी नु जी हेलो हेलो कट ही गया। कट ही जाना था। कौन है ये? अच्छा तुम इसे ही नहीं पहचानती? तुम्हारा शौहर नामदार वारस अली एसएचओ। मैं पूछती हूँ ये कौन है? ओहो जी रेहाना जी। यस सर सर जी सर ओके सर ओके ठीक है सर मैं पहुंच रहा हूं जी। देखा तुम्हारी वजह से मैं साहब को भी रेहाना समझ बैठा। मोबाइल दिखाइए। नहीं ये देखो। मोबाइल मुझे दे। नहीं नहीं देंगे आप। पहुंचो ना। अब इस तरह से नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें मोबाइल छोड़ नहीं छोड़ दो। हाँ ज़ाहरी मलिक को फोन करती हूँ लेकिन नहीं मैं किसको फोन करूँ? SHO वारिस अली को फोन करती हूँ। किधर है WW? ये हाँ वारिस अली SHO साहब से बात करती हूँ। मनहूस इसने भी इसी वक्त अपना सारा नेटवर्क बंद करना था। अरे घर का नंबर है अगर मैं इनके घर के नंबर पे फोन कर लूं हो सकता है घर ही बैठे हों। होम तो होम ही होता है ना। 4-4-2 जी वो मुझे ना SHO वारिस अली से बात करनी है। ओहो किस मछली की बनी हुई हो तुम? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये आवाज तो कुछ सुनी सुनी लगती है। देखें मेरी बात सुने। मैं ना जी वारिस अली साहब के जो मतायत है ना रोशन उनकी वाइफ हूँ। क्या रोशन की वाइफ? अच्छा 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 माफ करना बहन मैं समझी कि वो कमबख्त रियाना बात कर रही है। क्या रियाना को आप जानती हैं? वो मुझे जानती नहीं है इसीलिए तो मेरे उन पर डोरे डाल रही है वो। क्या SHO साहब पर भी? ये भी से आपकी क्या मुराद है? भाभी जी वो ना मेरे उन पर भी। क्या? देखे ना कितनी बैड बात है उसने ना मेरे उनसे कंगन भी ले लिए हैं और मुझे तो ना अपने वो है ना पाजी लैंप चिराग भाईजान उनकी सास ने बताया है। क्या? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा घर देखा है? जी नहीं। मैंने भी तुम्हारा घर नहीं देखा। तुमने अपना वो निगम का घर देखा है? वो ज़ाहरी मलिक साहब की जो बेगम है वैफ उनकी। हाँ 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 उनका होम तो मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा हुआ है। बस तुम आधे घंटे के अंदर अंदर निगम के घर पहुँच जाओ मैं भी वहाँ पहुँच रही हूँ फिर देखते किस रिहाना का क्या करना है। ओके भाभी जी मैं बस ना रेडी शेडी होके तो आपकी तरफ आ रही हूँ फिर प्लान बना लेते हैं इसका है ना। बाय बाय। अपना सराज पुत्रे शौकी का मर गया। सर जी शौकी का क्या है जी वो तो कहीं भी मर जाता है। यार 1.5 घंटा हो गया मेरे बूट पॉलिश कराने गया था वो आया ही नहीं। कमाल हो गया सर जी वो तो कब का बाहर बैठा है जी। और कहीं मेरे बूट तो नहीं बेचाया? अब बुलाओ उसे। सर जी मैंने बड़े अरसे बाद रियाज शुरू किया जनाब अब मैं चीख चीख कर अपना गला खराब नहीं कर सकता। तेरे सदके जाऊं रियाज करके तुम्हें कौन सा वो तमगा इम्तियाज मिल जाना है। सर जी ये तो तब पता चलेगा जब मेरी प्यारी सी कोयल सी आवाज सुनने के लिए आपको CD खरीदनी पड़ेगी। ये गुस्ताखियां छोड़ उसको बुला शौकी को।
कहाँ जा रहे हो? सर जी शौकी को बुलाने। उधर कहाँ जा रहे हो, यहाँ से आवाज दो जी। हाँ घर का बेदी लंका डाए। शौकी 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 वेरी गुड मिस राज, तुम तो तीसरे काले तक बिल्कुल परफेक्ट गए हो। हैं बड़ी सुरशना से जी सर। ओए सर के बच्चे, ओ मेरा बूट कहाँ है? सूट सर जी, सूट तो आपने मुझे नहीं दिया। ओए बूट पॉलिश करने के लिए ले गया था। अब वो तो जी मैं दे आया हूँ, 30 रुपए मिले हैं सर जी उसके। हैं क्या 30 रुपए, किसने दिए हैं? और कहीं तुम साहब के बूट कबाड़िए को तो नहीं दे आए? हाँ उसी को दे आया हूँ जी, वरना साहब जी तो कह रहे थे कि मालशी को दे आ। बूट थके हुए थे, ये इसने अपनी अकल लड़ाई है। दबा जा यहाँ से। 30 रुपए दे के। सर जी ये भी आपकी जेब है। ओ वेलकम 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 वेलकम। कम जरा कम। ओ मिस्टर हनम है, मेज से बाहर आके आपका इस्तेमाल करता, लेकिन क्या करूं वो ना पैरों में बूट है और ना गले में सुर है। सर जी मैंने जिंदगी में इतना एंजॉय कभी नहीं किया जितना आज किया है। क्या मतलब? सर जी मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा था कि अचानक मुझे मिस रेहाना नजर आई, और जब ये मुझे नजर आई तो मुझे दुनिया नजर आना बंद हो गई। और कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं मार दी? फिर इन्होंने भी थाने ही आना था और मैंने इन्हें लिफ्ट दे दी। फिर क्या, रास्ते में हमें एक गधा नजर आया जो रोड पर डांस कर रहा था। अच्छा फिर हमने उस गधे के मालिक से पूछा तो उसने बताया कि गधे ने भंग वाले पकौड़े खा रखे। अच्छा। सॉरी सर, कौम को बेशुमार मसाइल दरपेश है, जरायम की शरह कम होने को नहीं आ रही और तुम लोग यहाँ पर कह कहे लगा रहे। सॉरी सर। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ वारिस। सर मलिक और रेहाना को लेकर मेरे पास आओ। ओके सर। सर जी बूट तो मैं आपको दे दूं मगर मेरे बूट आपको छोटे होंगे। वो तो परेशानी वाली कौन सी बात है सर जी, पाँव की उंगलियां कतरवा दे। बहुत बड़े पाँव। चलाओ मेरे साथ। ओ भाभी जी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम नहीं जानती निगाह, ये बात बहुत ही खतरनाक लड़के के मुतालिक है। अरे उसने मुझे धमकियां लगाई है, वो भी मेरे शौहर की। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं तो उसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, आप टेंशन मत ले। हाँ। ये राबिया नहीं आई बेटा? आ जाएगी। लो वो आ गई। राबिया ये महविश भाभी है, वारिस अली की बेगम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निगत मैंने इनको कहीं देखा है? अरे भाभी आपसे तो मुलाकात। क्या हाल है तुझे? खैर छोड़ो ये बात की बातें, तुम मुझे ये बताओ कि तुम रेहाना के मुतल्लिक क्या जानती हो? वो कह रहे थे। कौन? रोशन। हो तो इस ना कहो ना मेरे वो। हाँ यू आर राइट, रोशन वाज टेलिंग कि वो ASI है। क्या है? ASI है। झूठ बोलता है रोशन। अरे उनके थाने में तो कोई लेडीज ASI है नहीं। ओहो उनको तो लेडी कांस्टेबल बुलवाने के लिए भी दरख्वास्त भेजनी पड़ती है। बाजी मेरे वो तो सोते में भी उसी की बातें करते हैं, और तो और मुझे भी कहते हैं बहुत तमीज से उसका नाम लो, वो तुम्हारी बड़ी है। हाँ मुझे भी वारिस ने यही कहा है। निगत फोन कर अपने ASI को और पता चला उस ASI रेहाना का। वैसे सर जी ASI होना भी बड़े नसीब की बात है। अच्छा वैसे भी तेरे कांस्टेबल है तो कांस्टेबलरी की बातें की, अगर ASI छलांगे देखो जरा। सर जी मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर आपके यहाँ ASI वाला फूल होता ना जी तो बड़ा ही सजता। और चलो कोई बात नहीं है, जिस तरह तनख्वाहें डबल हो रही हैं
फूल भी डबल होके लग जाएंगे। वैसे फूल सजता है जी मैडम रियाना पर, ये ऊंचा लंबा कद सरू के जैसा और ये मोटी मोटी आंखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरा एक हफ्ते का रिमांड लिया हो ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाए, जेल कहीं का। फूल सजता है रियाना को, सजता तो है यार। वैसे ओए मासी है मेरी। सॉरी सर। बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र, मेरा दामाद, मेरा चिराग। ओ मासी, तू यहाँ कैसे आ गई है? पुत्र तो यही चाहता था ना कि तेरी बीवी खुद चल के तेरे पास आए। हाँ बिल्कुल, मेरी यही शर्त थी। बस तो फिर यही होगा पुत्र, मैं खुद उसे लेकर आऊंगी तेरे पास। बस तो इससे ना तेरा बच के रहना, इस रोशन से ना इसका मनहूस आया ना पड़े तेरे पे। मासी जी क्या कह रही हैं आप, हम तो खुद अफसरों के साए के नीचे रहते हैं। खबरदार मेरे मुंह ना लगी। और जा मासी जा, खुदा का वास्ता है यहाँ से, और को काम करने दे। जा तो रही हूँ, किराया तो दे दे। किराया? हाँ गाँव जा रही हूँ तेरी बीवी को लेने। मासी मेरी एक और शर्त भी थी। वो क्या? मेरी बीवी अगर वापस आएगी तो तेरे किराए पे वापस आएगी। मुझे मंजूर है तेरी ये शर्त भी, वापस वो मेरे किराए पे आएगी, पर जाने का किराया तो दे देना। वैसे सर जी आप शेर हैं तो मासी सवा शेर है। और सवा शेर है तो तू दे दे किराया। नहीं सर, आप सवा शेर हैं सर, बल्कि आप पौने दो शेर हैं सर। और मासी मेरी एक और शर्त है। वो क्या? कि तू उसको कभी नहीं लाएगी। मुझे तेरी ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। सर जी, सर जी, टेलीफोन की घंटी बज रही है जी। टेलीफोन की घंटी की आवाज तुम्हें साफ सुनाई देती है, है? और पालिश की आवाज तुम्हें मालिश सुनाई देती है, बड़ी तेज। सर जी घंटी फिर बज रही है, पता है मुझे घंटी बज रही है। सलाम अलैकुम जी, थाना शुमाली। कौन सा माली? बकवास बंद करो। माफी चाहता हूँ जी, आपको नहीं कह रहा मैं, सराय स्पीकिंग जी। मैं मिसिस ज़ाहरी मलिक बोल रही हूँ। जी सर। मलिक साहब कहाँ हैं? वो जी मैडम रियाना के साथ आए थे जी। क्या? लेकिन अब कहाँ है? अब वो वारिस साहब के साथ है जी, बड़े साहब की मीटिंग में। ओके। हैं? बहुत गुस्से वाली है। अब बताओ निगत। बाजी निगत भी हमारी तरह की पुअर वाइफ ही निकली ना। तुम फिक्र ना करो बहनों, मैं उस रिहाना को और मलिक साहब को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। लेकिन बाजी हम करेंगे क्या? क्या? सुनो, देखा बड़े साहब तुम पर कितनी जिम्मेदारियां डाल रहे थे। सर जी ये तो उनका बड़ापन है जी। उनका बड़ापन नहीं, तुम्हारी नाअहली और सुस्ती है। सर जी वो आज की मीटिंग को हम हमेशा याद रखेंगे जनाब, और अपनी कारकर्दगी में इजाफा करेंगे। इजाफा नहीं, मुस्बत इजाफा। सर हम अपनी कारकर्दगी में मुस्बत इजाफा करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो वारिस जिम्मेदार स्पीकिंग। जी वारिस साहब। जी मैं बाग में आपका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज 5 मिनट में पहुंच जाइए। 5 मिनट में? हेलो हेलो, बात तो लो, परफ्यूम लगाने का भी टाइम नहीं दिया। सर जी किसका फोन है? हर फोन में टांग नहीं अड़ाते।
हेलो जी मलिक साहब जी, मैं बाग में आपका इंतजार कर रही हूँ, 5 मिनट में आ जाइए। हेलो हेलो, सुनिए, फोन बंद कर दिया। सर जी किसका फोन था? और तुझे वारो साहब ने बताया नहीं कि हर फोन में टांग नहीं अड़ाते? बड़ी डांटती है। शाबाश, वेरी गुड। चलो अब ऐसा करो कि इसी तरह का एक फोन ना कांस्टेबल रोशन को भी कर दो। क्या, मैं भला एक कांस्टेबल को कैसे कॉल कर सकती हूँ? ओहो, कॉल करो। इधर लाओ, मैं नंबर मिला के देती हूँ तुम्हें, फोन करो और उसको बुलाओ। जब तुम उसके साथ घूमती थी, फिरती थी, हाथों पे हाथ मारती थी, सहरे करती थी, उस वक्त याद नहीं था आता? चलो बात करो, पकड़ो। जितना कहा गया है ना उतना ही करो। एक लफ्ज भी तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। एक दफा छोड़ जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें कि मैं कौन हूँ। नंबर मिलाया वे, बात करो। हेलो, हाँ रोशन, हाँ रोशन, मैं बाग में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से 5 मिनट में आ जाओ प्लीज। वेरी गुड। बाजी निगर, कब से आए हैं, ना चाय ना पानी, कुछ खिलाए पिलाए? मैं तुम्हें शामिया भी खिलाऊंगी। चलो जल्दी से चलो, शामिया गरम गरम। बैठी रहना हमारे, बैठना मेरे। डीएसपी साहब, हेलो जी। डीएसपी साहब, मैं ऐसे ही रेहाना बात कर रही हूँ, ये कुछ खवातीन ने मुझे अगवा कर लिया है। प्लीज आप जल्दी से इस नंबर की लोकेशन निकलवा कर यहाँ पहुंच जाएं प्लीज। इंतजार ही कम है। तो पूरा गाना सुन लो, मुझे इजाजत दे, मैं 5 एक मिनट बैठो, मुझे काम है जरूरी, मैंने जाना है भाई, बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। आप बाद में चले जाइएगा, मुझे जरा काम ज्यादा जरूरी है, मैं क्यों गया तो। सर वारिस, सर रेहाना को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या, मिस रेहाना को अगवा कर लिया है? क्या कह रहे हो सर, एएसआई रेहाना अगवा हो गई है? मैडम रेहाना जी, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, तू फौरन जा। सर, सर जी आप, मैं इधर नाके पर ड्यूटी करता हूँ ना, तू जा, बेवकूफ आदमी, नाके को तनहा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। है? सर जी, ये तो मेरा घर है। मेरा घर है? हाँ, तो फिर आगे लगो। एक मिनट ठहर गया, चलो खैर देखते हैं। रोशन आजा, आ जाओ, तो साहब जी को लेके आओ। मैं भी, तुम निकल, तुम राबिया। अच्छा तो ये है तुम तीनों की इसलिए, रेहाना ने फोन किया, भागे भागे आए। वारिस जल्दी से इसके हाथ खोलो। ओए, तुम ये किडनैपर्स को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सर गोली ना चलाए, मैं भी, मेरी बीवी है। क्या सर चला दे, ये मेरी बीवी है। सर जी ये जो पतली लंबी सी है ना जी, ये मेरी बीवी है। क्या, तुम्हारी बीवियां किडनैपिंग करती हैं? नो नो सर, हम तो सिर्फ अपने हस्बैंड्स को राह रास्त पर लाने के लिए हरकत कर रहे थे। जिन्हें कानून नहीं सुधार सका उन्हें आप जुर्म के जरिए सुधारना चाहती हैं, वो भी एक पुलिस अफसर को अगवा करके। पुलिस अफसर? ASI रेहाना साहिबा जी। सर वी आर वेरी सॉरी जी। सर प्लीज हमें माफ कर दें, हमें गलत फहमी हो गई थी। सर प्लीज माफ कर दें। माफी तो इन्हें रेहाना से मांगनी चाहिए जिसके साथ इन्होंने बदतमीजी की है। रोशन जी सर, रेहाना के हाथ खोलो। राइट सर। क्या तुम इन्हें माफ करती हो? हमें माफ कर देना प्लीज, माफ कर देना प्लीज रेहाना। चले मेरे मुंह को माफ कर दे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इन सबको माफ करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
तुम्हारी वजह से मेरा सूट चला गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तो वो है जिसने मेरी आंख में मुक्का मारा था। याद आ गया? हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, देखी तुम से निकले हम दोनों की डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी। हम तो घर को थाना समझे और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।